वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में रैली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जब उन्होंने सड़क से जाने का फैसला लिया तो उन्होंने पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंच गया तो वहां पर उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। फ्लाईओवर को प्रदर्शनकारियों ने बंद किया हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी को करीब 20 मिनट तक वहां इंतजार करना पड़ा। वापस फिर भटिंडा एयरपोर्ट पर उनको लौटना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है और पूरी की पूरी सुई पंजाब सरकार और पाकिस्तान की तरफ चली गई है। जी हाँ, पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने सलतूज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है। बरामदगी के वक्त यह नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि यह नाव यहां कब आई और इसमें कौन लोग सवार थे और इसे यहां लाए जाने का मकसद क्या था। ये बोट पाकिस्तान की होने का दावा इसलिए है क्योंकि जिस जगह बोट मिली वहां सतलुज नदी पाकिस्तान से वापस भारत में दाखिल होती है। ऐसे में नाव पाकिस्तान की तरफ से ही बहाव के साथ आई है। हालांकि ये नाव अचानक आ गई या जानबूझकर इसके किसी मकसद से यहां लाया गया था, इसकी जांच की जा रही है। बीएसएफ ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये बोट मिली है कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे फिरोजपुर एरिया में इस पाकिस्तानी नाव की बरामदगी इसलिए अहम है क्योंकि दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां नेशनल हाईवे पर फंसा था। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। आपको बता दें, सलतूज नदी में पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीएसएफ की टीम आसपास के इलाकों को खंगालने में जुटी है। बताया लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ लोग इस नाव के जरिए भारतीय सीमा में तो नहीं आए। हालांकि अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है और सारी जांच की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।